this 21 days challenge is Hi guys, so I just woke up, still sleepy, and this is not morning, it's afternoon, and I just woke up from an afternoon nap. I would not call it a nap because it was literally sleep. I slept for 2.5 hours, and just being honest, I literally woke up really late today and my morning was not at all productive. So right now I'm just searching up the lecture which I want to watch right now because morning was not productive, so we have to make our whole day productive after that. So just I'm gonna watch a bio ka lecture. So today I'm thinking about doing the chapter human reproduction. तो उसी का मैं लेक्चर देखती हूँ कौन सा देखना है, बिकॉज अभी के जो यकीन बैच के जूलॉजी के टीचर्स हैं, आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम देम. सो आई एम मेनली वॉचिंग आइदर मनीष दुबे सर और आकांक्षा मैम के जूलॉजी के लेक्चर जो भी यूट्यूब वगैरह पे हैं या फिर पुराने बैचेस में हैं. सो आई एम जस्ट गोना बी फॉलोइंग अप ऑन दैट. सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो. So I'm done with bio and here I'm going to study physics, and you guys saw this, right? It's so pretty. Let me give you an ASMR. So right now I'm going to study physics. So actually I started with electric charges and fields, but I could not complete it because I started revising for a test which I missed in yakeen batch, so I just gave it yesterday. So now I'm going to be continuing with electric charges and field in physics. So yes, let's just start with that. जैसे जैसे नीट पास आ रहा है, हमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ानी होगी. एंड अगर आप उन लोगों में से हो जो कि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू. सो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 23 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड. ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन इज़ अवेलेबल फॉर ईच MCQ एंड ऑल इंडिया परफॉर्मेंस आपकी दिखाई जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो
and it is exactly based on the NEET pattern, 200 questions in 200 minutes, total marks 720. And isme rewards bhi available hai, total 10,000 rewards for top 50 rankers in each test. So is test series ka price hai 9,999 and isme aapko sirf test series hi nahi milti hai, aapko iske sath hi target batch milta hai jiske bare mein maine apne pichle video mein bataya hai. And isi ke sath aapko short duration revision lectures milenge, biochemistry and physics prodigy on neetprep.com. तो ये टेस्ट सीरीज मेजर सिटीज में अवेलेबल है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी सारी सीरीज. एंड इफ यू वांट टू चेक आउट मोर डिटेल्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट. So now finally coming to the question that you all have been waiting for, ki giveaway ke winners kaun kaun hai. So uske bare mein baat karne ke pehle let me tell you something. To pichle video mein maine bola tha ki new challenge start karenge, par ab main soch rahi hu ki ab jab December end hone hi wala hai to fir हम नया चैलेंज जनवरी से स्टार्ट करेंगे. सो न्यू ईयर न्यू चैलेंज, तो उस चैलेंज के बारे में तो मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगी. तो अभी बात करते हैं जो चैलेंज हो गया है उसके विनर्स का. तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं गिव अवे के जो विनर्स है वो ऐसे एक वीडियो में नहीं अनाउंस करूंगी. तो तीन विनर्स हैं, तो एक विनर को मैं आज इस वीडियो में अनाउंस करूंगी, सेकेंड विनर को नेक्स्ट वाले व्लॉग में, एंड थर्ड विनर को उसके नेक्स्ट वाले में. तो इससे आपके बीच भी क्यूरियोसिटी बढ़ी रहेगी कि कौन जीतने वाला है. सो अब बात करते हैं आज के विनर की. सो द विनर फॉर दिस 21 डेज चैलेंज इज मेडिको स्ले. सो कॉन्ग्रेचुलेशन मेडिको स्ले फॉर विनिंग दिस गिव अवे एंड टेकिंग पार्ट इन दिस गिव अवे. एंड बाकी सारे लोग जिन्होंने भी इस गिव अवे में पार्ट लिया था, थैंक यू सो मच. टू विनर्स आर स्टिल पेंडिंग, सो यू स्टिल हैव अ चांस टू विन इट अगर आपने पार्ट लिया था 21 डेज चैलेंज में. एंड अगर आपने नहीं लिया था किसी भी वजह से 21 डेज चैलेंज में पार्ट, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे गिव अवेज आने वाले हैं एंड बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. सो येस, कॉन्ग्रेचुलेशन मेडिको स्ले अगेन फॉर विनिंग दिस गिव अवे. यू कैन आइदर DM मी ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल मी ऑन माई ईमेल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कहीं पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड NCERT एंड आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि यही सुबह मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि इसी की NCERT भी रीड कर लेते हैं, तो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा. मतलब पूरा मैंने चैप्टर अभी तक नहीं किया है, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है दिन में मैं वहाँ तक रीड करूँगी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. So it's time for dinner and for dinner I'm having this white sauce pasta. तो ये मेरी मम्मी ने बनाया था एंड मैंने जब इसको टेस्ट किया तो ये काफ़ी टेस्टी था एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड इसके साथ मैं देख रही हूँ के ड्रामा विच इज़ बिहाइंड योर टच एंड अभी मैं episode 4 पे हूँ एंड मेरे को ये के ड्रामा अच्छा लगा, आगे और देखने पे पता चलेगा कैसा है. सो येस, प्रीटी मच दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, आई लव यू गाइज सो मच, बाय गाइज.